आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता जो कि बहुत ट्रेडिशनल है और हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये लहसुन लिया है और यहाँ पर ली है थोड़ी सी मिर्चें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लहसुन लेंगे और इसको तोड़ लेंगे इस तरह से। तो ऐसा करने से इसकी कलियाँ जो हैं बहुत अच्छे से और जल्दी से अलग हो जाती हैं। इनको साफ़ कर लेंगे हम। तो ये बहुत ही चटपटा और मज़ेदार सी हम एक चटनी बनाने वाले हैं जिसको कि आम भाषा में थेचा कहा जाता है। तो इसके लिए हमने बस ये लहसुन ले लिया है, इसको छील लिया है और इसके ऊपर का अब हम कवर हटा देंगे इस तरह से। तो इस थेचे के साथ मैं कॉम्बिनेशन में बहुत ही मज़ेदार सी एक सूजी की पूरी बनाने वाली हूँ जो कि हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है और बच्चों को तो स्पेशली बहुत पसंद आती है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और इस रेसिपी को आप कॉम्बिनेशन ही में ही बनाइएगा, बहुत ही मज़ा आता है खाने में। तो यहाँ पर आपको काफ़ी शोर शराबा सुनाई दे रहा होगा क्योंकि आजकल मैं अपनी मम्मी के घर आई हुई हूँ और मम्मी का घर बिल्कुल मेन मार्केट में है, तो काफ़ी शोर रहता है यहाँ पे। पर बहुत फ़ायदे भी हैं यहाँ रहने के क्योंकि हर चीज़ बहुत पास में है और आपको कुछ भी चाहिए हो तो बस आप घर से बाहर निकले और नीचे सब कुछ अवेलेबल है। और ऑफकोर्स मम्मी के घर तो आता बहुत मज़ा ही है, तो मैं भी मज़े कर रही हूँ आजकल, तो सोचा आपके लिए भी कुछ वीडियोज़ यहाँ पे शूट करूँ मैं। तो ये देखिए लहसुन मैंने अच्छे से छील के साफ कर लिया है और यहाँ पर जो हरी मिर्च है मैंने इनको पहले से ही धो लिया था। बस इनको हम क्या करेंगे, इस तरह से हाथ से 2 से 3 टुकड़ों में तोड़ देंगे। तो बस इनके डंठल हटाने हैं और इस तरह से इनको तोड़ लेना है। ये जो मिर्ची मैं यूज़ कर रही हूँ ये बहुत स्पाइसी नहीं है इसलिए मैं हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपकी मिर्चियाँ बहुत स्पाइसी हैं तो फिर आप चाकू या कैंची से ही करें, इस तरह से हाथ से ना तोड़ें, नहीं तो आपके हाथों में बाद में बहुत जलन होगी। तो ये देखिए मिर्चियाँ तोड़ के मैंने तैयार कर ली हैं और आइए फटाफट इसके साथ हम जो पूरियाँ बनाएंगे उसका आटा लगाते हैं। तो कॉम्बिनेशन में हम इसके साथ बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी पूरियाँ। तो यहाँ पर है सूजी, तो ये नॉर्मल सी सूजी है और इसको मैंने बस पीस लिया है और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसको मिक्स कर लेंगे और सूजी को हम 5 मिनट फूल जाने देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 बॉईल किए हुए आलू, इनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो बहुत ही देसी टाइप का खाना होता है ये और कहीं सफ़र पे जा रहे हो आप या बहुत सारे लोग हो तो बहुत आसान हो जाता है क्योंकि फटाफट बन जाता है। तो ये देखिए आलू को मैंने बहुत अच्छे से मैश कर लिया है और अगर आप आलू का इस्तेमाल नहीं करना चाहें तो आप यहाँ पे कच्चे केले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस आलू में डाल देंगे हम ये भीगी हुई सूजी, इसके साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सौंफ या फेनल सीड्स, 1 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स या कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इसमें हम डाल देंगे करीब 1 कप गेहूं का आटा। और इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। वैसे तो ये जो थेचा है आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, पर अगर कॉम्बिनेशन में आप इसके साथ ये वाली आलू और सूजी की पूरियां बनाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस इसको हमें अब अच्छे से गूंथना है मसल मसल के, जैसे कि हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि सूजी में भी हमने पानी डाला था और आलू भी काफ़ी गीले थे जब हमने बॉईल किया था, तो हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें पानी डाल के इसका एक हार्ड डो बना लेंगे। ये देखिए आटा गूंथ के तैयार है और हम इस पे हल्का सा ऑयल लगा देंगे। आटे को हम थोड़ी देर तक कवर कर देंगे और आइए तब तक थेचा बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल। तो मैं यहाँ पे सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि सरसों के तेल में थेचा सबसे ज़्यादा टेस्टी बनता है, पर अगर आप चाहो तो आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हो। तेल अब बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ज़ीरा और इसमें ये डाल देंगे मिर्ची और लहसुन जो हमने काट के रखा था। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल धीमे कर लेंगे और इसको हल्का सा भून लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसको बहुत कुक नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट ही करना है। तो ये देखिए मिर्ची और लहसुन थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप छिली हुई मूँगफली, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और बस इसको 1 मिनट तक और भून लेंगे। तो ये देखिए सब कुछ बहुत अच्छे से भुन गया है। तो इसको भूनते समय जो मिर्ची है उसकी थोड़ी सी धस आती है, तो आप चाहो तो जब इसको भूनो तो मास्क पहन लो जिससे आपको छींके और खांसी ना आए। तो ये देखिए हमारा बेसिक सामान सब भुन के तैयार है
और आप चाहो तो इसको बहुत सारी क्वांटिटी में बना के भी रख सकते हो, ये काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होता है। इसको अब हम हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी आगे का प्रोसेस। और अब हमें इसे पीसना है, तो मैं पीसने के लिए आज यहाँ पे सिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसको मिक्सी के जार में भी पीस सकते हो, पर अगर आप इसको सिल पे पीस के बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। और अगर आप इसको मिक्सी में पीस रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इसको एकदम कोर्स पीसना है, इसका पेस्ट नहीं बनाना है। तो बस मैं इसको इसी तरह से पीस लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है, आप चाहे तो पीस लें, चाहे कूट लें, चाहे मिक्सी में चला लें, पर इसकी कंसिस्टेंसी देखें कुछ इस तरह की रहनी चाहिए। और मैं इसको एक अब बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि इसको दोबारा पकाते हैं, पर मुझे लगता नहीं दोबारा पकाने की ज़रूरत है, ये ऐसे ही बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में। और आइए चलिए फटाफट इसके लिए अपनी पूरियाँ तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है, तो जिस भी साइज़ की आपको पूरियाँ बनानी है उस साइज़ का पेड़ा ले लें और हम इनको थोड़ा सा मोटा बेलेंगे, बहुत पतला पतला नहीं बेलें आप इनको। ये देखिए तैयार है, और आइए फटाफट इनको सेक लेते हैं। तो यहाँ पर आप इन पूरियों में बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं थोड़ा सा, वो भी बहुत मज़ेदार लगता है। तो ये वाली पूरियाँ ठंडी होने के बाद भी बहुत टेस्टी लगती हैं, तो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या फिर आपको कहीं पिकनिक पर जाना है तो भी आप बना के ले जा सकते हो, काफ़ी टेस्टी रहती है, नॉर्मल पूरी से ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। तो हम लोग तो कहीं अगर बाहर जा रहे होते हैं तो ये पूरियाँ और थेचे का कॉम्बिनेशन जो है बना के लेके जाते हैं, तो आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है खाने के लिए। तो बस उलट पलट कर एकदम क्रिस्प होने तक इन पूरियों को हमें सेक लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है, हम इन्हें निकाल लेंगे। तो हमारा तो आज का ब्रेकफास्ट तैयार है, पूरियाँ और थेचा, तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार है, और अगर आप गार्लिक खाने के शौकीन हैं तो आपको मज़ा आ जाएगा इस थेचे और पूरी के कॉम्बिनेशन में। तो आप भी ट्राई करिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। आई होप आपने भी मेरी मम्मी का घर थोड़ा बहुत इन्जॉय किया हो। तो अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।